दर्शकों, संजीवनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा कि जो ईएफटी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी हमने बहुत सारा बलराम जी से सुना। बलराम जी, आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद। दर्शकों के मन में इस बात के प्रति बहुत ही उत्सुकता बढ़ रही है कि ईएफटी करने की विधि क्या है और इसको कब करनी चाहिए, कितनी बार करनी चाहिए। देखिए, इसकी दो अलग अलग तरीके हम सीखेंगे यहां। एक है बेसिक जी, शॉर्ट, और दूसरा है फुल। अच्छा, तो सबसे पहले हम चल रहे हैं बेसिक शॉर्ट की तरफ। सबसे पहले हम एक पॉइंट को देखेंगे जिसको कहा जाता है कराटे चॉपिंग पॉइंट। ओके, कोई भी हाथ आप ले सकते हैं। इसमें जो कलाई की रेखा होती है, रिस्ट लाइन, और जो हमारा जो छोटी उंगली का जो रूट है, जो आधार है, जो मूल है जी, इसके बीच में जो सॉफ्ट पोर्शन आता है, उसके सेंटर में जो नरम पोर्शन है, यहां पर इसको कहा जाता है कराटे चॉपिंग पॉइंट। यहाँ पर हम दूसरे हाथ की चारों उंगलियों से, उंगलियों के टिप से थोड़ा फोल्ड करके हम इसको यहाँ पर लगातार टैपिंग करते हैं, और टैपिंग करते हुए हम यहाँ पर अपने इश्यू को कहते हैं कि जो भी मुझे समस्या है जिसके लिए मैं ईएफटी कर रहा हूँ वो, और उसके साथ में होता है ईएफटी का एक्सेप्टेंस स्टेटमेंट। मतलब कि हालांकि मुझे ये प्रॉब्लम है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। तो इस प्रक्रिया को टैपिंग इसी को कहते हैं। हाँ, टैपिंग तो पूरे बॉडी पे हम करेंगे, लेकिन इस विधि की शुरुआत कराटे चॉपिंग पॉइंट से होती है। अच्छा। जहाँ पर हमको दूसरे हाथ की चारों ही उंगलियों से लगातार हम टैपिंग करते हैं, और यहाँ पर टैपिंग करते हुए तीन बार आपका जो भी इश्यू है, जो भी प्रॉब्लम है उसको कहते हैं। उसके साथ हम ऐड करते हैं कि मैं फिर भी अपने आप से प्यार करता हूं और स्वीकार करता हूं। उदाहरण के तौर पे, उदाहरण को जैसे हम, मैंने बताया कि ईएफटी हम किस लिए करते हैं, फिजिकल सेंसेशन के लिए, या कोई इमोशनल प्रॉब्लम के लिए, या किसी इवेंट के लिए। समझो मेरे पेट में इस वक्त दुख रहा है, तो मैं कह सकता हूं मेरे पेट में इस वक्त दर्द हो रहा है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूं, स्वीकार करता हूं। मेरे जितना ज्यादा आप अपने प्रॉब्लम को बिल्कुल स्पेसिफिक में ले जाओगे कि कौन से एरिया में, कहां पर, कैसा हो रहा है, तो उतना ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब मैं ये कह सकता हूं कि इस वक्त मेरे दाहिने घुटने में ये जो दर्द है, सूजन है, अकड़न है, या फिर मेरे गर्दन के दाहिनी तरफ नीचे की तरफ ये जो दर्द हो रहा है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। अच्छा, ये फिजिकल प्रॉब्लम्स हो गए। मैं इस वक्त खांसी के अटैक से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। मैं इस वक्त बहुत डिस्टर्ब हूँ, सुबह आज मेरा बीवी के साथ किसी बात पर टकराव हुआ है, मनमुटाव हुआ है, अनबन हुई है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। मैं बहुत नाराज हूँ अपने बेटी को लेकर, जो मेरे इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवाने के बाद भी मुझसे बहुत नाराज है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। मैं इस वक्त अपने पिता की मौत को लेकर अपने आप को बहुत ज्यादा गिल्ट फील कर रहा हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। कोई भी इवेंट है, कोई भी इवेंट मतलब मेरे साथ जो घटना हुई है, मेरे साथ जो बात हुई है, मैं आज सुबह से अपने आप को बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरे बेटे ने जो आज बात को लेकर मुझे जवाब दिया है, उसकी वजह से मैं बहुत अपसेट हूँ, फिर भी अपना से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। ये कितने बार कहना है, आपका इशू, चाहे वो मेरा फिजिकल सेंसेशन है, चाहे वो मेरा कोई ना कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, या फिर कोई ना कोई मेरे साथ इवेंट हुआ है जिसको लेकर मैं क्या फील कर रहा हूँ, लो फील कर रहा हूँ, लॉस फील कर रहा हूँ, एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ,
उसके साथ इशू के साथ में जब हम ईएफटी का स्टेटमेंट एक्सेप्टेंस का जोड़ लेते हैं, ये बन जाता है सेटअप स्टेटमेंट। दोनों को मिलाकर तीन बार लगातार कराटे चॉपिंग पॉइंट पर कंटिन्यूसली लगातार टैपिंग करते हुए ये कहना है, बराबर। उसके बाद हमारा इसका काम पूरा हुआ। अब हमको आगे सिर्फ क्या करना है, सिर्फ जो इशू है उसके बारे में ही बात करनी है, या फिर उस इशू को लेकर मेरे अंदर जो फीलिंग्स हैं, मेरे अंदर के जो इमोशंस हैं, उसको मुझे भूलना है जी। तो पहला वाला पॉइंट हम 8 पॉइंट देखेंगे जी, 8 पॉइंट देखेंगे अभी करते जी मेरे साथ जी जी बिल्कुल। पहला पॉइंट आइए यहाँ पर जी, 8वीं उंगलियों से टैपिंग करते हैं और पहला वाला पॉइंट है टॉप ऑफ द हेड, टॉप द हेड। हम चाहें तो टैपिंग एक हाथ से भी कर सकते हैं, चाहें तो दोनों हाथ से भी कर सकते हैं, चाहें तो टैपिंग सीक्वेंस में करें ऊपर से नीचे तक। अगर कोई पॉइंट बीच में भूल जाता है तो भी कुछ उसमें बिगड़ वाला नहीं है। अगर आप एक पॉइंट यहां पर दिया और दूसरी पॉइंट आप दूसरी तरफ कर रहे हैं, इससे भी ईएफटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें बहुत सारी फ्लैक्सीबिलिटीज हैं, इसकी खूबसूरती है। तो पहला पॉइंट, ज्यादा उंगलियों से अगर हम टैपिंग करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि हम जगह जगह पर कुछ बिंदियों पर जैसे ही टैपिंग करते हैं ना, तो वहां पर हमारे ऊर्जा के जो चैनल है, जो ऊर्जा के जो मेरिडियंस चल रहे हैं अंदर, उनका एंड, उनका अंत का शोर होता है वो। तो जैसे हम टैपिंग इन पॉइंट पर करते हैं तो वहां की ऊर्जा जो है ब्लॉक्ड है वो खुल जाती है, या जो एनर्जी डिस्टर्ब्ड है वहां पर बैलेंस हो जाती है। अब जो टैपिंग हम करते हैं वो कैसी होनी चाहिए, फर्म, मतलब उसी जगह पर, और जेंटल टैपिंग। तो पहला पॉइंट, जितनी ज्यादा उंगलियां हम यूज करते हैं उतनी ज्यादा, क्योंकि उंगलियों के जो टिप्स हैं वहां पर भी लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक करंट्स, ऑरा रेडिएट होती है, और यहां पर भी हर उंगली के टिप में भी मेरिडियन का एंड होता है। अच्छा। और जब हम ज्यादा उंगलियों से टैपिंग करते हैं तो इन उंगलियों के जो वाइब्रेशन होते, जो स्पंदन होते हैं, वो भी उस पर्टिकुलर पॉइंट को, बिंदु को इफेक्ट करते हैं और आपको फायदा ज्यादा मिलता है। तो पहला पॉइंट है टॉप ऑफ द हेड, कम से कम 7 बार टैपिंग करना होता है, या जब तक आप इश्यू को कह रहे हैं वो चाहे 50 बार भी टैपिंग हो सकता है, लेकिन कम से कम 7। सेकेंड पॉइंट है, ये दोनों उंगलियों को मिलाएं, फर्स्ट फिंगर एंड द मिडिल फिंगर, पहली उंगली और उंगली को थोड़ा मिलाकर बैंड करें, और फिर आईब्रो स्टार्ट, आईब्रो के अंदर की तरफ यहां टैपिंग करें कम से कम 7 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब जो है टैपिंग आंख के साइड में, या जो नुकीली हड्डी है इसको हम सॉकेट ऑफ द आई कहते हैं, यहां पर टैपिंग करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चौथा पॉइंट होता है आंख के नीचे, यहां पर जो चीक बोन, गाल की जो हड्डी है, इस पर टैपिंग करें, इसको कहा जाता है अंडर द आई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके बाद नोज पॉइंट आता है नाक के नीचे, ऊपरी होंठ के मध्य में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चिन पॉइंट, लोअर लिप के नीचे जो गड्ढा होता है चिन के ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कॉलर बोन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लास्ट पॉइंट होता है अंडर द आर्म पिट, बगल से 4 उंगली नीचे अगर हम जाएंगे और इसको हम पैडिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आठवीं पॉइंट पर लगातार हम इश्यू को कहते हैं, और कोई भी ईएफटी जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो, क्योंकि ईएफटी से हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है जी, तो बहुत ही जरूरी है कि ईएफटी का जब भी हम प्रयोग करते हैं ना, तो थोड़ा पानी पी के करना चाहिए। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। मतलब ईएफटी शुरू करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, जैसे आपने कहा कि पानी पी लेना चाहिए, तो इसके अलावा और भी कुछ चीज है जिसका एहतियात जिसकी रखनी चाहिए? ईएफटी जो है रात को सोने के समय अगर की जाए और सुबह उठने के समय अगर की जाए तो सबसे बेस्ट टाइम माने जाते हैं, लेकिन ईएफटी आप कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं, इसका कोई बाइंडिंग नहीं है। लेकिन ज्यादा फायदा रात को सोने के पहले, क्योंकि आपको जो लास्ट जो थॉट होता है, आप ईएफटी से अगर अपने आप को रिलैक्स करके सोते हैं आज के दिन